नोएडा के सेक्टर 62 बाबा बालकनाथ सिद्धपीठ मंदिर में लगातार पिछले एक सप्ताह से गोबा वीर जी की पूजा अर्चना हो रही है। वहीं बाबा बालकनाथ सिद्धपीठ नोएडा के पीठाधीश्वर स्वामी धीरज महाराज द्वारा विधि विधान से गोगा वीर जी के छतर छड़ाने से लेकर गोगा वीर जी की नवमी बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाई गई। इस उत्सव में सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके पर सिद्ध पीठ में प्रसाद एवं भंडारे का विशेष आयोजन किया गया। कार्यक्रम के उपरांत बाबा बालकनाथ सिद्ध पीठ के पीठाधीश्वर श्री धीरज महाराज ने कहा कि मैं बाबा बालकनाथ जी का गोगा, जहारवीर जी का और कृष्ण भगवान जी का, जिनके यह तीनों मुख्य कार्यक्रम थे, आत्मिक चिंतन कर रहा था और चिंतन तथा माँ से बातें भी कर रहा था। इन देवों से उसी चिंतन के दौरान मन में एक और बात आई, यह सब कुछ आप सबके प्यार से, आप सबके सहयोग से किया जा सकता है, क्योंकि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। सेवा तीन प्रकार से होती है, तन से, मन से और धन से, और सबसे ज्यादा तो मुझे उनका शुक्रगुजार होने की जरूरत है, जिन्होंने तन से भी सेवा की, मन से भी सेवा की और धन से भी सेवा की। समय पर आकर उन्होंने मुझे यह एहसास भी नहीं होने दिया कि आप लोगों ने एक से एक लगातार 30 तारीख से लेकर आज 8 तारीख सुबह 3 बजे तक अपनी सेवाएं दी। मैं आत्मा से आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इतना भरोसा और प्यार मुझ पर दिखाते हैं। मैं बाबा बालकनाथ से, गोगा जहारवीर जी से और सिद्धपीठ में सभी पूजित, स्थापित, प्रतिष्ठित देवी देवताओं से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि हे सृष्टि के देवो, आप अपने इन बच्चों को कभी तकलीफ ना होने देना, इनको धर्म के रास्ते लगाना, कभी इनको किसी की जरूरत महसूस ना हो, कभी यह तंग ना हो, कभी इनकी आत्मा में कोई दुख ना हो, तभी मेरी भक्ति फलीभूत होगी और मुझे भी खुशी होगी कि मैं अपने आप को आपका सेवक कहला सकता हूँ। ऐसी मेरी आत्मिक भावना है। एक बार फिर जिन्होंने जिस भी रूप में सेवा की, उन सब का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और साधु बाद आप यूं ही मेरे साथ खड़े रहना ताकि मैं जिस भी काबिल हूं, मैं आप सबके काम आ जाऊं। और आप सबको बाबा बालकनाथ जी द्वारा दिए गए मुझे प्रसाद को आप सब तक बांट सकूं। धन्यवाद। जय बाबा दी, जय गोगा जहावीर जी की, जय कृष्ण भगवान जी की, ओम आनंदो। नोएडा से संवाददाता मुकेश गुप्ता की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।